फ्रेंड्स आपको पता होगा मेंढक जो है वो पानी में भी रह सकता है, मेंढक जो है वो जमीन पे भी रह सकता है, घोड़ा जो है वो खड़े खड़े ही सोता है। कोक के अंदर अगर हम मेंटोस डालें, कोक जो है वो हाई प्रेशर के साथ ऊपर आता है और फाउंटेन की तरह दिखता है। ये बहुत कॉमन फैक्ट्स है जो हम सभी को पता है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं जो शायद ही आपने सुने हो, और उन फैक्ट्स को जानने के बाद यू विल गेट अमेज फॉर श्योर। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक मेरी वीडियो में बने रहें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिल्पी शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ, लेट्स स्टार्ट। क्रिकेट के तो हम सभी दीवाने हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है ब्लू कलर की, उसमें 3 स्टार है। ये 3 स्टार शायद आपने पहले देखे हो या शायद नहीं भी, लेकिन ये 3 स्टार ही क्यों है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे, उसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया ने अभी तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से 2 ODI है और 1 T20। सो ये रीजन है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे 3 स्टार है ना, एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग इन द वर्ल्ड, जिसकी कॉस्ट जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर में जा रही है। लेकिन अगर आपने इस पेंटिंग को ध्यान से देखा होगा, इस पेंटिंग में जो लेडी है इनकी आईब्रोज ही नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्राइंग ऑफ लेडी, लेकिन बिचारी की आईब्रोज ही नहीं है, है ना एकदम फनी फैक्ट। क्या आपको पता है शहद जो है वो हजारों साल तक क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि शहद के अंदर जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से शहद के अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपते, इसीलिए शहद हजारों साल तक खराब नहीं होता। क्या कभी आपने क्वाइंस के नीचे अलग अलग सिंबल को नोटिस किया है? अगर नहीं नोटिस किया है तो आज जरूर नोटिस कर लो। आपको हर एक क्वाइन के नीचे अलग अलग तरह के सिंबल नजर आएंगे, कुछ डायमंड में, कुछ स्टार में, कुछ सर्कल शेप में। लेकिन ये सिंबल ऐसे नहीं दिए गए, इसके पीछे कुछ रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी क्वाइन के नीचे आपको डायमंड सिंबल मिले तो उसका मतलब ये क्वाइन मुंबई में बना है। अगर किसी क्वाइन के नीचे आपको सर्कल सिंबल दिखे तो इसका मतलब ये नोएडा में बना है। अगर किसी क्वाइन के नीचे आपको स्टार सिंबल नजर आए तो इसका मतलब है ये हैदराबाद में बना है। और किसी क्वाइन के नीचे अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सिंबल नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोलकाता में बना है, है ना इंटरेस्टिंग। अगर मधुमक्खियां इस दुनिया में खत्म हो जाए तो हमारा जीवन जो है वो संकट में पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? क्योंकि मधुमक्खियां जो है वो अनाज को पैदा करने में सहायक होती हैं, इसीलिए। सुख और दुख इंसान के जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊं जो शायद इससे पहले आपने सुना हो, क्या आपको पता है जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है ना, दुख का वो पहला आंसू उसकी लेफ्ट आई से निकलता है, लेकिन इंसान अगर बहुत ज्यादा खुश होता है, खुशी का जो वो पहला आंसू है वो राइट आई से निकलता है। क्या आपको पता है कुछ ऐसे स्वप्न भी होते हैं जिसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे सपनों को हम लूसिड ड्रीम के नाम से जानते हैं। ये ऐसे सपने होते हैं जिसमें आपको खुद पता होता है कि आप सपना देख रहे हो, लेकिन आप उसको खुद कंट्रोल करते हो। एक अध्ययन के माध्यम से पता लगाया गया कि मैक्सिमम लोगों को इस तरह के सपने दिखाई देते हैं। अगर गलती से आपके सामने कभी कोई सांप आ जाए तो आप एकदम डर जाओगे, आपके हाथ और पैर दोनों कांपने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं जो पूरी की पूरी जहरीले सांपों से भरी हुई है तो आप एकदम शॉक हो जाओगे। ब्राजील के अंदर एक ऐसा द्वीप है जो स्नेक ऑफ आइलैंड के नाम से फेमस है, जहां पे जहरीले सांप पाए जाते हैं और वहां पे किसी भी इंसान को आने की अनुमति नहीं है।
सो गाइज, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। सो दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।